ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कहीं बार मैदान में आए। मैदान में अगर शेर का ही लौज है, इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये बात आज इमरान खान ने साबित कर दी। गोलियां धमकियां कुछ भी इमरान खान को आवाम से आने में ना रोक सकी। इमरान खान अपने कातिलाना हमले के बाद भी आज पहली बार रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा में दिखाई दिए। इमरान खान की यह एंट्री इतनी जबरदस्त थी कि सबकी टांगे काम गई, क्योंकि रावलपिंडी में हर तरफ अवामी समुंदर ही समुंदर है। हर बूढ़ा बच्चा बीमार सेहतमंद आज पीछे नहीं रहा। कौम का ये जोश देखने के काबिल है। अवाम ने 70 साल के आदमी को भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा है, और इमरान खान को जख्मी हालत में देखकर अवाम का खून खोल रहा है। इमरान खान के बयानिए के साथ जोरटा अपना बयान सुना दिया। पिंडी में आज बहुत से जज्बात मनाजिर देखने को मिले। जब अवामी समुंदर के बीच में से इमरान खान स्टेज पर तशरीफ आए, ऐ वतन प्यारे वतन के मिली नगमे के साथ अवाम की आंखों में से आंसू निकल आए। वजीराबाद में इमरान खान पर होने वाले हमले के वक्त मौजूद मोहम्मद फैसल जावेद अपने जज्बात पर काबू ना रख और अपने कप्तान को देखकर लाखों लोगों के बीच में फूट फूट कर रोने लग गए। हमारे हमारे बच्चों के लिए आए, हम आपको खराज तहसीन पेश करते पूरी कौम की तरफ से। यकीनन फैसल जावेद के ही नहीं बल्कि हम सब की आंखों में से भी आंसू निकल आए। हमारा लीडर हमारा फहर है। अल्लाह पाक खान साहब को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और अपने मकसद में कामयाब करे, आमीन। इमरान खान का तकलीफ से भरा हुआ चेहरा आंखों के सामने आता है। कप्तान को इस दर्द में देख कर कौम का बच्चा बच्चा मरने को तैयार है। आज इमरान खान को लाहौर से निकलते हुए दो बातें कही गई। एक के टांग की आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप सफर नहीं कर सकेंगे। दूसरी ये कि आपकी जान को खतरा है। कप्तान ने एक ही अल्फाज कहा कि मेरी आवाम मेरा इंतजार कर रही है और मुझे किसी चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इमरान खान जैसा बहादुर ईमानदार लीडर आज दिन तक हमें देखने को नहीं मिला। अल्लाह पाक इमरान खान को दोबारा सहजाब कर दे, आमीन। जैसा कि नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।